दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं और आप ये देख रहे हैं, देख के समझ तो गए ही होंगे। ये है GDNT। दोस्तों, अभी तक हम लोग ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, अब कुछ नया पढ़ना है, ठीक है ना? और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आपको ये GDNT में एक बार बताऊं। वैसे ऑलरेडी ये बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, सबके अपने अपने तरीके हैं बताने के, सबने कुछ ने सही बताया, कुछ ने गलत भी बताया, मैंने देखा। पर ठीक है, हमें तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से इसको समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। और आप लोग इसको ध्यान से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। दोस्तों, जो आपकी मंजिल है वो आसमान का मतलब है कि आपको कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके लाइन से रिलेटेड हो और आपको आए ना। तो जो भी आपकी रिलेटेड लाइन है, जैसे CNC BMC से हम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपको आ जाए। कुछ चीज़ें ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, वो आपको आ गया होगा। कुछ चीज़ें आगे टाइम के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अच्छी होती जाएंगी। जैसे मैं पीछे भी कुछ एक बताया था कि आज जो मुश्किल लग रहा है वो कल आसान हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो होंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं, सिंबल्स वगैरह हैं, ये ड्राइंग में यूज होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं GDNT, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। दोस्तों, होता क्या है कि जो हम लोग टॉलरेंस पढ़ते हैं ना, कोई सा भी, अभी हमने एक चैप्टर या एक वीडियो बनाया था टॉलरेंस पे, ये दो तरीके की होती है टॉलरेंस। एक तो होती है डायमेंशनल और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल। तो डायमेंशनल में तो सिंपल ये है कि अगर मान लीजिए हमारा ये कोई एक साफ्ट है या कोई कंपोनेंट है ऐसा, तो जो भी इसकी लेंथ है, सपोज करिए ये लेंथ 100 है, इसका डायामीटर जो है ये कुछ भी मान लीजिए 40 है। तो एक तो इसके ऊपर कुछ टॉलरेंस मिला था कि भाई ये 40 प्लस माइनस 0.02 में बनाना है या 100 प्लस माइनस 0.1 में बनाना है। तो ये तो है इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी, जिसमें हम लोग इसको 40 या इसको 100 प्लस माइनस 0.1 में मेंटेन करेंगे। बट जो ज्योमेट्रिकल है वो क्या है कि भाई इसका जो शेप है ना, ये मान लीजिए ये साफ्ट है और ये 100 mm भी है और 40 का डाया भी है, लेकिन ये साफ्ट कुछ ऐसा हो गया। सपोज करिए ये साफ्ट लंबाई भी ठीक है, डाया भी ठीक है, बट ये साफ्ट कुछ ऐसा हो, समझ रहे? तो अभी भी जो डायामीटर है वो कहीं भी हम नाप रहे हैं ना, तो वो 40 आ रहा है, लंबाई भी 100 आ रही है, लेकिन जो इसका शेप है वो ठीक नहीं है। तो ज्योमेट्री का जो मतलब है वो ये है कि हमारा उस कंपोनेंट का शेप कैसा है, आकार कैसा है, वो ठीक है क्या, साइज तो ठीक है, समझ रहे? तो अब इसमें हम लोग जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसिंग की बात करेंगे वो ये है कि अलग अलग सिंबल्स हैं जो ड्राइंग में दिए जाते हैं और ये उनका नाम है, और उसकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग कैटेगरी है, और ये 5 कैटेगरी आता है। एक तो फॉर्म हो गया, प्रोफाइल हो गया, ओरिएंटेशंस हो गया, लोकेशन हो गया और रनआउट हो गया। तो ये कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों कि ये जो फॉर्म है ना, जो फॉर्म की कैटेगरी है, उसमें आपको कहीं पे भी कोई रेफरेंस प्लेन की जरूरत नहीं है।
किसी के रिस्पेक्ट में नापने की जरूरत नहीं है, वो किसी के रिस्पेक्ट में नापा नहीं जाता है। ये फॉर्म की कैटेगरी में ये चार सिंबल्स होते हैं। ये सीधी लाइन है, इसका मतलब स्ट्रेटनेस, वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है क्या। अभी जैसे मैंने ये बताया, समझिए स्ट्रेटनेस ही है इसमें, कि अगर ये बिल्कुल सीधा है, जैसे मैंने बताया ना, ये बिल्कुल सीधा होता, कोई भी जाब है अगर वो सीधा है तो ठीक है, वो सीधा है, बट स्ट्रेटनेस नहीं है, इसका मतलब कि वो टेढ़ा है। अगर इसकी सेंटर लाइन होनी तो चाहिए थी सीधी ऐसा, लेकिन ये सेंटर लाइन कुछ ऐसा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटनेस, जो सीधा हो। कई बार कुछ ऐसे कंपोनेंट आते हैं ना, जो फोर्जिंग वगैरह से होके कोई साफ्ट वगैरह है, सरिया है, तो कई बार उसकी स्ट्रेटनिंग कराया जाता है, वो डाई पे रख करके और ऊपर से ऐसा गिराते हैं, थोड़ा टेढ़ा है तो वो सीधा हो जाता है, ये स्ट्रेटनेस है दोस्तों। और इसके लिए जैसे मैंने बताया ना कि ये कुछ भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, वो सिंपल स्ट्रेटनेस यहाँ देगा तो अलग अलग तरीके से इसको वो दे देता है। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, आप इसको समझें। तो जो भी ये स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस ये जो कुछ भी है ना, ये तीनों को जो इसका फ्रेम है जैसा ये देगा तो वो कुछ ऐसा दे देगा, ऐसा, और यहाँ पे वो सिंबल दे देगा, जैसे स्ट्रेटनेस के सिंबल है तो ऐसा सिंबल दे दिया और यहाँ पे लिख दिया 0.03। तो ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं देगा। फ्लैटनेस देगा तो यहाँ, अब इसको फ्लैटनेस अगर है तो यहाँ पे ये सिंबल बना देगा फ्लैटनेस का, और यहाँ पे 0.03 0.04 कुछ भी लिख देगा। इसको हम पढ़ेंगे फ्लैटनेस टू बी रिक्वायर्ड 0.03। तो ये स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी, इनमें किसी के रिस्पेक्ट या डाटम लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फ्लैटनेस जो है, ये अगर मान लीजिए हम लोग फ्लैटनेस की बात करें, तो फ्लैटनेस क्या है, वो किसी एक सरफेस का फ्लैटनेस नापा जाता है। इसका अगर मान लीजिए मुझे इसका फ्लैटनेस नापना है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि किसी डाटम की जरूरत नहीं है, इसमें इसकी रिस्पेक्ट की जरूरत आपको नहीं है, कि इसके रिस्पेक्ट में ये है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ये नापते हैं, वो हो जाता है आपका पैरेललिज्म। इसको हम लोग सरफेस प्लेट पे रख दे और यहाँ पे डायल चला के नाप दे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो फॉर्म शेप है, इसमें आपको किसी डाटम की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये सरफेस आपका कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उबड़ खाबड़, टेढ़ा सीधा कैसा भी हो, हमें इस फेस का जो है वो फ्लैटनेस चाहिए। तो कई बार इसको हम लोग नापने के लिए इसको हम ऐसा सरफेस प्लेट पे रख के ऐसे, और इसके अंदर फिलर गेज वगैरह लगा के देख लेते हैं कि कहीं पे गैप है क्या। या दूसरा तरीका है कि हम लोग कोई वैसा बड़ा जॉब है, कोई ऐसा वर्क पीस है, जैसे इसी को समझ लें, तो उसको तीन जगहों पे ना हम लोग ऐसा कोई बड़ा पीस में दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसपे फ्लैटनेस चाहिए, जिसका इस सरफेस का रोल कोई नहीं है, इसको हम लोग तीन जगहों पे जैक पे लगा के और तीन पॉइंट लगा लेंगे और जैक से इसको तीन पॉइंट पे जीरो कर लेंगे। नीचे का सरफेस कैसा भी है, कर भी हो सकता है, टेढ़ा सीधा कैसा भी हो सकता है, तीन पॉइंट पे आप जीरो करें, उसके बाद इस सरफेस की जो है वो हम फ्लैटनेस चेक करते हैं। तो ये फ्लैटनेस में इस नीचे वाले का कोई रोल नहीं होता है, जबकि पैरालिज्म नापते हैं वो इसके रिस्पेक्ट में नापा जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको। ऐसे दोस्तों जो सिलेंड्रिसिटी है ना, ये सिंबल ऐसा रहेगा सिलेंड्रिसिटी का, तो सिलेंड्रिसिटी जो है, सिलेंड्रिसिटी कह रहे हैं आप पहले, सर्कुलरिटी समझे, तो सर्कुलरिटी एक तरीके से आप समझे कि राउंड है क्या, कोई डाया है तो ये बिल्कुल राउंड है
या सर्कुलर है क्या? तो ये जो सर्कुलरिटी है ये किसी एक पॉइंट पे नापी जाती है। एक पॉइंट का मतलब कि अगर कोई ऐसा वर्क पीस है तो यहां पे आप डायल लगा के भी नाप सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ऐसा माइक्रोमीटर वगैरह से भी हम लोग घुमा के नाप सकते हैं। लेकिन जो सिलेंड्रिसिटी है तो सर्कुलरिटी, बट ये जो सर्कुलरिटी है ना ये टू डायमेंशनल होती है, हम लोग केवल दो जगह पे नापते, ऐसे 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 एक्स है ना। लेकिन जो सिलेंड्रिसिटी है ये थ्री डायमेंशनल है। इसमें क्या रहता है कि हम यहाँ भी नापते हैं ऐसा घूम घूम के, ऐसा ऑल पूरे सरफेस पे नापा जाता है। अगर हम जैसे यहाँ पे नापे ना तो ये घूमता घुमाते भी रहेंगे, इसको हम आगे पीछे ऐसा बढ़ाते रहेंगे, यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसा पूरे सरफेस पे होगा। तो ये चार सिंबल्स हैं जो जिनमें डाटम की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटनेस समझ में आ गया, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। ये जो अगला है कैटेगरी वो प्रोफाइल है। प्रोफाइल में दोस्तों क्या रहता है कि इसमें आपको डाटम की जरूरत हो भी सकती है या ड्राइंग में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये कम यूज होते हैं, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। तो ये सेम जैसे हमने सर्कुलरिटी बताया, ये सिंगल पॉइंट पे नापा जाता है, ऐसे ही जो ये प्रोफाइल ऑफ ए लाइन है ये भी किसी एक पॉइंट का लिया जाता है, और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस वो पूरे सरफेस का लिया जाएगा। तो ये टू डायमेंशनल हो गया और ये थ्री डायमेंशनल हो गया। इसका सिंबल्स ऐसा अर्ध वृत्त जैसा रहेगा और ये क्लोज हो जाता है, तो प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस हो गया और ये प्रोफाइल ऑफ ए लाइन हो गई। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं आपका एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरालिज्म, ये कैटेगरी ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। और ये जो कैटेगरी है ओरिएंटेशन, लोकेशन और रन आउट, इनमें सब में ही आपको एक डाटम प्लेन की जरूरत होती है। तो एंगुलरिटी बेसिकली क्या है, कहीं पे अगर कोई जाब है, समझे कुछ इस तरह का कोई जाब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेपर बना हुआ है, जैसे मैंने बताया कि इनमें तो जरूरत नहीं थी डाटम की, बट इसमें डाटम की जरूरत होगी। तो सपोज करिए कि ये ऐसा है और इसको लिख दिया ए, है ना, ये ए है, ऐसा ये डाटम बना दिया ए है, और यहाँ पे जो एंगुलरिटी है ये जो डिग्री दिया है ये कोई भी दे सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे दिया। और इस सरफेस पे उसने मांगा है कुछ ऐसा, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मांगा है एंगुलरिटी 0.04 with a। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे एंगुलरिटी 0.04 with respect of a। इसमें a के रिस्पेक्ट में भी मांग सकता था या b के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कि इस सरफेस को b मान ले, तो जिसके रिस्पेक्ट में मांगेगा उसके रिस्पेक्ट में ही आपको चेक करना है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखिए ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये कोण है 50 डिग्री, तो ये एक डिग्री कम ज़्यादा होगा, तो वो एंगुलरिटी नहीं है, एंगुलरिटी ये डिग्री में नहीं दिया हुआ है। ये क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी टेपर है, स्ट्रेटनेस है, फ्लैटनेस है, अगर आप उसको पप्पी डायल या प्लंजर डायल से नापते हैं ना, तो उसमें हम लोग नापते हैं उसको बोलते हैं टी आई आर, हम बोलेंगे 0.04 TIR। TIR का मतलब हो गया कि जो टोटल इंडिकेटेड रीडिंग, जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो अंतर है ना वो है ये 0.04।
ठीक है ना। तो ये हम लोग जब नापेंगे तो नापने के लिए आपको ऐसा करना है कि अगर ये 60 या 50 डिग्री पे है तो हमें कोई ऐसा फिक्सर ले लेना है या ऐसा हम कोई टेपर साइन बार वगैरह ले लेते हैं जिसमें हमारा साइन बार में हम इसको ऐसा रख लें कि ये जो है ये पैरेलल हो जाए, ये जो टेपर है, अब ये जो टेपर है ये ऐसा हो जाए, ऐसा ये सीधा हो गया टेपर। और यहाँ पे जो आपका ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ना, अब इसको मैं ऐसे झुका दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। और इसको भी ब्लॉक पे रख दे, जैसे मान लीजिए एक साइन बार होता है ना ऐसे, ऐसा ऐसा, ये साइन बार को हम ऐसा लिटा दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, इसको हम 60 डिग्री पे ये सेट कर दें। और जब इसको हम यहां पर रखें ना तो ये जो सरफेस है ये वाला वो इस लाइन के पैरेलल हो जाना चाहिए, ऐसा। अब यहाँ पे ये ऐसा जाब, ये वर्क पीस आपका सपोज करो ये हो गया, और इसको हम 60 डिग्री या 50 डिग्री है ना इस पे ऐसा लिटा दिया, और फिर इसके ऊपर हम डायल लगा के नापेंगे। ये टेपर वाला पोर्शन को इसके पैरेलल कर लेना है, ऐसे भी 50 डिग्री का कोई फिक्चर हो, साइन बार हो या कोई और भी तरीके से हम इसको सीधा करें तो उसके लिए कोई ना कोई एक साइन बार या टेपर बार रख ले जिसपे हम लोग इसको नाप सके। तो ये यहाँ पे रख के इसको नापा जाता है, इसको बोलते हैं एंगुलर टी। परपेंडिकुलर टी जो है वो 90 डिग्री में रहता है, जैसे कोई वर्क पीस है परपेंडिकुलर है तो वो उसका मीनिंग क्या है परपेंडिकुलर का, कि वो 90 डिग्री में आपको नापना रहेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, इसमें किसी एक को 90 डिग्री मान लिया, ये इसको ए मान लिया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे उसको चाहिए कुछ ऐसा, परपेंडिकुलरिटी 0.03 विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए। तो अब ए के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डायल चला के देख लेते हैं कि वो 90 डिग्री पे है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैरालिज्म। तो पैरालिज्म मैंने बताया कि ये किसी के रिस्पेक्ट में नापा जाता है, आप अक्सर इसको चेक करते होंगे पैरेलल है क्या। अगर इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये ए है, इसको सरफेस को ए मान लिया, इसको मान लिया ये जो सरफेस है आपका वो ए है, ये मान लिया इसको, या ये ऐसा करके भी मान लेगा ये ए है, तो इसके ऊपर पैरालिज्म नापना है आपको कुछ ऐसा। पैरालिज्म जितना मांगेगा, ए के रिस्पेक्ट में नापने हैं तो इसको हम लोग सरफेस प्लेट पे रख देंगे और सीधा हम लोग उसके ऊपर डायल से नाप लेते हैं, या जैसे ऐसा कोई कंपोनेंट है तो ये जो कंपोनेंट है ये वो इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल रहेगा। कई बार हम लोग माइक्रोमीटर से भी नाप लेते हैं यहाँ का साइज, यहाँ का साइज, फिर 4-6 जगहों पर नाप के और फिर हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या आया है, और उनका जो डिफरेंस है वो 0.03 के अंतर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है पैरालिज्म। उसके बाद आता है आपका लोकेशन। तो उसमें आपका आ जाता है पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री। तो ये जो तीनों चीजें हैं दोस्तों ये भी किसी न किसी के रिस्पेक्ट में नापी जाती है। पोजीशन जैसे कई बार होता है ना कि दो होल वगैरह है तो होल या पीसीडी वगैरह है, कई बार हम लोग यहाँ पे भी होल लगा देते हैं, ऐसा 4 होल हो गया। तो अब ये होल की पोजीशन जो है
कहीं पे भी हम ऐसा देखें, तो ये होल जो है इस होल से कितना इधर है या कितना ऊपर है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे नापा जाएगा पोजीशन पे, ठीक है। कंसेंट्रिसिटी होता है कि अगर कोई जाब ऐसा है, कोई जाब अगर दो सेटअप में बनाया जाता है, मान लो ऐसा ऐसा, तो होना क्या चाहिए कि दोनों का सेंटर लाइन सेम होना चाहिए, लेकिन जब दो सेटअप में कई बार बनता है तो ये ऐसा ना हो गए इसका जो सेंटर है वो ये है और इसका सेंटर जो है वो ये है, दोनों का सेंटर थोड़ा सा अंतर है, जिसको हम लोग इसेंट्रिक बोलते हैं, मतलब सेंटर जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो कंसेंट्रिसिटी है वो यही है कि ये जो दोनों का सेंटर है वो सेम है और नहीं है तो कितना फर्क है। तो अब ये किसके रिस्पेक्ट में नापना है, सपोज करिए कि इसके रिस्पेक्ट में नापना है, इसको बना लिया ए, भाई ये जो है ये ए है और यहाँ पे आपको नापना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नापेंगे तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देगा, ये कंसेंट्रिसिटी मतलब दोनों का सेंटर, देख रहे दो सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए और अगर नहीं है तो कितने में है वो आपको चेक कर लेना है। तो इसको सिंपल हम लोग कहीं भी रख करके बी ब्लॉक वगैरह पे और इसको घुमा के हम डायल लगा के यहाँ पे ये नाप लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों ये सिमिट्री। सिमिट्री क्या है कि सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आप ये देखें कि जैसे ये कंपोनेंट है ऐसा, और इसका जो सेंटर लाइन है वो बीचों बीच है ऐसा। तो अब हमें सेंटर के रिस्पेक्ट में ऐसा ठीक जैसा ऊपर है सेम साइज या सेम शेप हमारा नीचे होना चाहिए। ये ऐसे कंपोनेंट्स में भी ले सकते हैं, या अगर कोई मान लीजिए ऐसा कोई कंपोनेंट भी हम लोग ले सकते हैं, कोई ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो अगर ये सिमिट्री है तो अब क्या होगा कि ये आप सरफेस प्लेट पे रख दीजिए, यहां पे आप हाइट गेज से डायल को टच करा लीजिए, डायल को टच कराया, रीडिंग को जीरो किया, हटा लिया। अब इसको पलट के हम लगाते हैं, तो फिर पलट के लगाएंगे ये वाला सिरा नीचे आ गया, फिर डायल को हम उसी पे लाते हैं तो दोनों में रीडिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, और अगर वो सेम है इसका मतलब है कि ये सेंटर लाइन से जैसा ऊपर है सेम वैसा ही नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमिट्री, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये आता है रन आउट। तो रन आउट में ये देख रहे हैं आप, एक सिंगल रन आउट है या इसको रन आउट बोलते हैं, सर्कुलर रन आउट, और इसको बोलते हैं टोटल रन आउट। तो ये भी किसी न किसी के रिस्पेक्ट में रहता है। अगर कोई ऐसा जाब है जैसे मैं आपको दिखा रहा था, इस टाइप से कोई जाब है, तो ये अलग अलग डाया पे किसी भी एक डाया पे रन आउट मांगेगा। तो रन आउट में अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं घुमा के, तो वो तो रन आउट है या सर्कुलर रन आउट है, लेकिन टोटल डाया पे नापना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल रन आउट। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कंपोनेंट है, यहाँ पे कई स्टेप भी हो सकता है, इसको मान लिया ए है ना, ये ए है, इस डाया पे आपको रनआउट मांगे, अगर केवल ऐसा लिख दिया ये डाया जो भी है 30 40 50
इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये डाया पे आपको रन आउट मांगा हुआ है कुछ ऐसा, रन आउट 0.02 विथ रिस्पेक्ट ऑफ ए। तो ए को हम लोग सेम बी ब्लॉक वगैरह पे रख देंगे और इस डाया पे एक पॉइंट पे हम डायल लगा के इसको घुमा लेंगे और देखेंगे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस है वो 0.02 में होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो टोटल रन आउट होता है, टोटल रन आउट में ये भी जैसे ये है ना रन आउट, तो ये सिंगल पॉइंट पे है, ये मल्टी पॉइंट पे रहेगा या कई पॉइंट पे होगा। तो हम या तो एक साथ यहाँ पे भी डायल लगा दे, यहाँ पे भी दो तीन डायल लगा के देखें, एक तो ये तरीका है। दूसरा, हम नापते जाएं और इसको आगे बढ़ाते जाएं, तो उस केस में मिनिमम और मैक्सिमम के जो बीच का डिफरेंस है वो टोटल रन आउट रहेगा। उसके लिए जो सिंबल लगेगा यहाँ पे दो एरो बन जाते हैं ऐसे, तो टोटल रन आउट में आपको टोटल इस डाया पे, जैसे इस पे हमें रन आउट लेना है तो हम यहाँ तो डाय लगाई दिया, हम घुमाते जाएं आगे बढ़ाते जाएं ऐसा, तो ये पूरा होल सरफेस या होल डाया टोटल डाये पे ये हमें नापना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जी डी एंड टी है आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं होंगे तो वो टाइम आएगा जब आपको अपने आप ये समझ में आने लगेंगे, बट ठीक है आपको नहीं से थोड़ा बेटर हो जाना चाहिए। कुछ डिफरेंस है, जैसे हम लोग फ्लैटनेस है, पैरालिज्म है, रन आउट है, टोटल रन आउट है, एंगुलरिटी है, परपेंडिकुलरिटी है, कुछ तो है जो रेगुलर यूज होंगे, जो रेगुलर यूज होते हैं वो आपको आ जाते हैं, और जो कम यूज होते हैं वो कम यूज होते हैं, वो आपको जब टाइम आएगा तो आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी सिंबल्स रहते हैं, कहीं पे ब्रैकेट में या सर्कल के अंदर एल लिख दिया, एम लिख दिया, तो वो सब अलग उनके नाम है, लिस्ट मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, है ना। तो वो भी आगे हम लोग कवर करेंगे। और कुछ आपने देखा होगा ड्राइंग्स के ऊपर कि फिनिशिंग का ग्रेड दे देता है ऐसा एरो बना के, ट्रेंगल बना के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो लाइनें मैंने बोली थी आपको शुरू में, भाई आपको छत तक तो जाना नहीं है, आपको तो आसमान में जाना है, तो आप अपनी सोच को, अपने तरीके को, अपने समझने के तरीके को, काम करने के तरीके को बेस्ट बना के रखें, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। धन्यवाद।